हेलो नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि सर्दियां आ चुकी हैं और इंडिया के किसी किसी पार्ट में तो बहुत ज्यादा सर्दी पड़ने लग गई है। अब सर्दी से बचने के लिए या तो आप आग जला लेते हैं, जिसमें दोस्तों काफी टाइम लगता है और काफी पॉल्यूशन भी होता है, और दूसरा ऑप्शन होता है कि आप एक अच्छा सा रूम हीटर खरीद लें और उसको यूज करके सर्दी से राहत पा लें। तो अगर ऐसे में दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं कि अच्छा सा रूम हीटर खरीदने की और कन्फ्यूज है कि कौन सा रूम हीटर खरीदें, तो आप एक बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं इंडिया में मिलने वाले 5 बेस्ट रूम हीटर्स के बारे में और आपको कितने टाइप के रूम हीटर्स मिल जाते हैं। रूम हीटर खरीदने से पहले आपको कौन कौन सी चीजें ध्यान में रखनी होती है, सब कुछ मैं आज की वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे हमारी बहुत ज्यादा हेल्प होगी और आपको भी इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। दोस्तों अगर बात करें टाइप ऑफ रूम हीटर की, तो आपको मार्केट में 3 तरीके के रूम हीटर्स देखने को मिल जाते हैं। पहला होता है रेडिएंट रूम हीटर, जिसके अंदर आपको हीटिंग एलिमेंट्स लगे हुए मिलते हैं, और दोस्तों ये सबसे ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट होते हैं, लेकिन दोस्तों ये केवल पर्सनल यूज के लिए ही बेहतरीन रहते हैं, और जब तक आप इनको यूज करते हैं, जब तक ये आपको हीटिंग प्रोवाइड करते हैं, और जब आप इनको ऑफ कर देते हैं, तो इनकी जो हीटिंग है वो ज्यादा समय तक नहीं रहती। और दोस्तों दूसरे होते हैं कन्वेक्शन, और तीसरा होता है ऑयल फील्ड रूम हीटर। दोस्तों जो कन्वेक्शन रूम हीटर और ऑयल फील्ड रूम हीटर होते हैं, वो एनर्जी ज्यादा कंज्यूम करते हैं रेडिएंट रूम हीटर के कंपैरिजन में, और जो ऑयल फील्ड रूम हीटर होता है उसकी जो हीटिंग होती है वो बहुत समय तक आपके रूम में रहती है। इसीलिए दोस्तों जो ऑयल फील्ड रूम हीटर्स होते हैं वो थोड़े से ज्यादा प्राइस में भी आते हैं। तो अगर आपको एक सबसे बढ़िया रूम हीटर चाहिए और आपके बजट की भी कोई दिक्कत नहीं है, तो आप ऑयल फील्ड रूम हीटर खरीद सकते हैं, और अगर आपको बजट का इशू है, आपको कम प्राइस में चाहिए, तो आप रेडिएंट या फिर कन्वेक्शन रूम हीटर खरीद सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गए टाइप्स ऑफ रूम हीटर के बारे में। अब अगर बात करें एरिया और हीटिंग टाइम की, कि कितने एरिया को कितने टाइम में कोई रूम हीटर कवर करता है, तो दोस्तों जनरली जो रेडिएंट और कन्वेक्शन हीटर होते हैं वो पर्सनल हीटर होते हैं, और वो 15 से 30 मिनट तक ले लेते हैं आपके रूम को हीटअप करने में, जो कि अराउंड 150 से 180 स्क्वायर फीट का होगा। तो और अगर आप इनको एक बार बंद कर देंगे, तो इनकी जो हीटिंग है वो ज्यादा समय तक नहीं रहती, ऐसा मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। लेकिन दोस्तों जो ऑयल फील्ड रूम हीटर होते हैं वो 30 से 40 मिनट लेते हैं आपके पूरे कमरे को हीटअप करने के लिए। लेकिन दोस्तों अगर एक बार आपका जो कमरा है वो गर्म हो जाता है ऑयल फील्ड रूम हीटर से, और आप उस ऑयल फील्ड रूम हीटर को बंद कर देते हैं, तो जो हीटिंग है वो काफी देर तक आपके रूम में रहती है। तो इसीलिए दोस्तों जो ऑयल फील्ड रूम हीटर होता है उसको एक काफी अच्छी चॉइस मानी जाती है। लेकिन आज की जो वीडियो है, इसके अंदर मैं केवल रेडिएंट और कन्वेक्शन रूम हीटर कवर करने वाला हूं, क्योंकि दोस्तों वो काफी कम प्राइस पे आ जाते हैं, और ज्यादातर जो लोग हैं उनको बजट का थोड़ा इशू रहता है, इसीलिए मैं ये दो तरह के ही रूम हीटर आज की वीडियो में दिखाने वाला हूं। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक ऑयल फील्ड रूम हीटर पे भी वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट करके बता दीजिए, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों नंबर 5 पे है हेवल्स कोजियो रूम हीटर। ये एक रेडिएंट रूम हीटर है, और इसकी जो मैक्सिमम पावर कंजप्शन है वो है 800 वॉट। इसमें आपको दो हीटिंग मोड्स देखने को मिल जाते हैं। तो जो पहला मोड होता है उसमें इसका एक ही हीटिंग एलिमेंट काम करता है, जिसमें ये 400 वॉट कंज्यूम करता है, और दूसरे हीटिंग मोड में इसके दोनों हीटिंग एलिमेंट काम करते हैं, जिसमें ये कम्प्लीट 800 वॉट कंज्यूम करता है। इसमें आपको सेफ्टी के लिए फ्रंट में ग्रिल मिल जाती है, और इसमें आपको टिप ओवर स्विच भी मिल जाता है, जैसे कि आप इसको हॉरिजॉन्टली रख के यूज कर रहे हैं, और अगर गलती से ये गिर जाता है या फिर पलट जाता है, तो टिप ओवर स्विच की वजह से ये अपने आप स्विच ऑफ हो जाएगा, जो कि सेफ्टी का एक काफी अच्छा फीचर हैवल्स ने इसमें दिया है। कैरी करने के लिए इसमें आपको कैरी हैंडल मिल जाता है, जिससे कि ये काफी पोर्टेबल भी बन जाता है, और इसका जो वेट है वो है अराउंड 2 kg। इस पे आपको मिलती है 2 साल की कंप्लीट वारंटी, और अगर बात करें इसके प्राइस की, तो इसका जो प्राइस है वो है अराउंड 2000 रुपए के आसपास। और दोस्तों ये जो प्राइस मैंने आपको बताई है, ये प्राइस कम या ज्यादा होती रहती है, तो हो सकता है कि जब आप वीडियो देख रहे हो तो इसकी जो प्राइस है वो कम या ज़्यादा हो गई हो, या फिर इस पर कोई सेल या ऑफर चल गया हो। तो इसीलिए जितने भी रूम हीटर आज की वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ, सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे, तो वहाँ पर जाके आप इनकी करंट प्राइसेस को चेक कर सकते हैं। दोस्तों नंबर 4 पे है अमेजॉन ब्रांड का सोलिमो रूम हीटर। ये एक ब्लोअर या फिर कन्वेक्शन रूम हीटर है, और इसके अंदर आपको एक 24,000 RPM का फैन देखने को मिल जाता है, जो कि एक काफी पावरफुल फैन है। इसकी जो मैक्सिमम पावर कंजप्शन है वो है 2000 वॉट, और इसमें भी आपको दो मोड्स देखने को मिल जाते हैं। एक मोड पे ये 1000 वॉट पे काम करता है, दूसरे मोड पे ये कंप्लीट 2000 वॉट पे काम करेगा। सेफ्टी के लिए इसमें फ्रंट ग्रिल मिल जाती है, कैरी करने के लिए कैरी हैंडल मिल जाता है, और इसमें आपको ओवरहीट प्रोटेक्शन भी मिल जाती है। तो अगर ये एक सेट लिमिट से ज्यादा गर्म होगा तो अपने आप शट ऑफ हो जाएगा, जो कि काफी अच्छा फीचर है, और इस पे आपको मिलती है 1 साल की कंप्लीट वारंटी। अगर बात करें इसके प्राइस की, तो इसका जो प्राइस है वो है अराउंड 1000 रुपए के आसपास,
तो दोस्तों इस प्राइस कैटेगरी में ये एक वन ऑफ द बेस्ट रूम हीटर है। दोस्तों नंबर तीन पे है ऑर्पेट का OEH 1260 मॉडल का रूम हीटर। ये भी एक ब्लोअर और कन्वेक्शन रूम हीटर है और इसमें आपको मिलती है 2000 वॉट की मैक्सिमम पावर कंजप्शन। इसको आप एक नॉर्मल फैन की तरह भी यूज कर सकते हैं, यानी कि आप इसके जो हीटिंग एलिमेंट है उसको ऑफ करके इसे खाली नॉर्मल ठंडी हवा भी ले सकते हैं। इसमें भी आपको दो मोड्स देखने को मिल जाते हैं, जिसमें एक मोड पे ये 1000 वॉट पे काम करेगा, दूसरे मोड पे ये 2000 वॉट पे काम करेगा। इसमें भी आपको ओवरहीट प्रोटेक्शन, ऑटो शट ऑफ जैसे फीचर मिल जाते हैं और इसमें आपको मिलता है कॉर्ड वाइंडर, यानी कि जो इसकी पावर केबल है आप उसको इसमें वाइंड करके रख सकते हैं जब ये यूज में नहीं हो तो। इसका जो वेट है वो है अराउंड 1.3 kg और इस पे आपको मिलती है 1 साल की कंप्लीट वारंट। अगर बात करें इसके प्राइस की तो इसका जो प्राइस है वो है अराउंड 1500 रुपए के आसपास। दोस्तों नंबर दो पे है Havells सोलेस रूम हीटर। ये भी दोस्तों एक ब्लोअर और कन्वेक्शन PTC रूम हीटर है। दोस्तों जो PTC होता है उसका मतलब होता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, या फिर इसको आप बोल सकते हैं सेरेमिक हीटिंग एलिमेंट वाला रूम हीटर। ये नॉर्मल जो हीटिंग एलिमेंट वाले रूम हीटर होते हैं उससे ज़्यादा अच्छे रहते हैं और अच्छी हीटिंग आपको प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए ये उनसे थोड़ी सी ज़्यादा प्राइस पे आपको मिलते हैं। इसमें आपको मिलती है 1500 वॉट की पीक या फिर मैक्सिमम पावर और इसकी जो बॉडी है वो बनी है हाई क्वालिटी ABS प्लास्टिक मटेरियल से। इसमें आपको दो हीट मोड्स मिल जाते हैं, जिसमें एक मोड पे ये 1000 वॉट पे चलेगा, दूसरे मोड पे ये 1500 वॉट पे चलेगा। इसमें आपको ऑसिलेशन फंक्शन मिल जाता है, जिसको ऑन करके आप अपने रूम में राइट और लेफ्ट दोनों तरफ हवा को मूव कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों आपको AC के अंदर देखने को मिलता है जो फिन्स होते हैं वो मूव होते हैं लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, ऐसे ही इसके अंदर जो फिन्स हैं वो भी मूव होंगे अगर आप ऑसिलेशन फंक्शन यूज करेंगे तो। सेफ्टी के लिए इसमें भी आपको टिप ओवर स्विच मिल जाता है, तो अगर ये स्टैंडिंग पोजीशन से गिर जाता है या पलट जाता है तो ऑटोमेटिकली शट ऑफ हो जाएगा। इसमें आपको क्लीनेबल डस्ट फिल्टर मिलता है, तो ये आपके रूम में छोटे मोटे एयर प्योरीफायर की तरह भी काम करेगा। इस पे आपको मिलती है 1 साल की कंप्लीट वारंटी। और अगर बात करें इसके प्राइस की तो इसका जो प्राइस है वो है अराउंड 3400 रुपए के आसपास। दोस्तों नंबर एक पे है मॉर्फी रिचार्ड्स का एरिस्टो रूम हीटर। ये एक ब्लोअर या फिर कन्वेक्शन रूम हीटर है और इसके अंदर भी आपको PTC टेक्नोलॉजी या फिर सेरेमिक हीटिंग एलिमेंट देखने को मिल जाता है। इसमें आपको मिलती है 2000 वॉट की मैक्सिमम या फिर पीक पावर और इसकी जो बॉडी है वो भी एक हाई क्वालिटी ABS प्लास्टिक मटेरियल से बनी है। इसमें आपको एक पावर इंडिकेटर भी मिल जाता है, तो जब भी ये ऑन होगा या फिर आप इसको यूज़ करेंगे तो जिसका पावर इंडिकेटर है वो भी ऑन हो जाएगा, जिससे आपको पता रहेगा कि ये यूज़ में आ रहा है। और इसमें आपको एक कैरी हैंडल मिल जाता है और ये काफ़ी पोर्टेबल डिज़ाइन में आता है। इसमें आपको वेरिएबल हीट सेटिंग्स मिल जाती हैं, तो आप जितनी मर्जी चाहें उतनी हीट इसमें सेट कर पाएंगे और इस पर आपको मिलती है 2 साल की कंप्लीट वारंटी। अगर बात करें इसके प्राइस की तो इसका जो प्राइस है वो है अराउंड 3700 रुपए के आसपास। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज की वीडियो में तो मैंने आपको केवल रेडिएंट और ब्लोअर या फिर कन्वेक्शन रूम हीटर दिखाए हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको एक कंप्लीट ऑयल फील्ड रूम हीटर के ऊपर भी वीडियो प्रोवाइड करूं तो आप कमेंट करके मुझको जरूर बताना, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बनाने की। और इस वीडियो से रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।